हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे कही गई है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। ये बात हमारे ऑर्थर ओशो द्वारा दी कही गई है। ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर रह चुके हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं है। क्या मतलब है इनके कहने का? इन्होंने कहा है कि जहाँ पे हैं, जिस कंडीशन में हैं आप, उसी कंडीशन में चीज़ों की शुरुआत कीजिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहाने कीजिए कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, व्हाट यू हैव, आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहाने नहीं करना है कि आज लाइट नहीं थी, आज वाईफाई नहीं चल रहा था, तो पढ़ाई नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई। नहीं, आपको डेली रूटीन की उसी से काम करना है। जिस तरीके से आप डेली खाना खाते हो, वैसे डेली पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, इस देश के कोने में कोई एक ऐसा पागल होगा जो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, और ऑब्वियसली सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है, जो कुछ भी है उसी के साथ आपको स्टार्ट करना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यह लेक्चर है सॉइल फाउंडेशन, असाइनमेंट नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप देखिए वहाँ से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोर्ट फॉर द कैंटिलीवर शीट पाइल वॉस कम्स फ्रॉम। कैंटिलीवर शीट पाइल वॉस होता क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ फिगर बना के। ये हमारा वॉल है, इधर वॉल सॉइल भरा हुआ है, इधर भी सॉइल फिल है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि ये वाली वॉल की टेंडेंसी है कुछ इधर जाने की, तो जब इधर जाएगा तो ये वाली वॉल इधर जाएगी। इधर जाएगी तो इसको रोकने के लिए कौन सा सॉइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये वाला रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं आपको इधर नहीं जाना, आपको सीधा खड़े रहना है। तो इस वजह से क्या हो गया, पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस शीट पाइल वॉल्स को सपोर्ट कर रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। अब देखिए आप इसी में समझ लीजिए कि ये वाली वॉल इधर जा रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप, को रोकने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक टाई बीम लगा दी है, जिसको वहाँ पे टाई कर दिया, आके बांध दिया इधर, ताकि ये वाली वॉल जो है इधर ना जा सके। इसको बांधने के कई तरीके होते हैं। पहला जो सबसे बेसिक फंडा ये है कि ये सपोज कीजिए हमारा ये ऐसे कोई लैंडफिल था, आपने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगाई, ठीक है, ये हमारा कोई लैंडफिल था, आपने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगाई और यहाँ पे आपने ला करके अपना फिल मटेरियल यहाँ पे डाल दिया, मतलब जिसको आपको रिटेन करना था, राइट। अब आपको यहाँ पे एंकरेज लगाना है। एंकरेज लगाएंगे, लगाने के दो तरीके हैं। आप पेन चेंज कर लेता हूँ, एंकरेज है। अब एंकरेज आपको यहाँ से लगाना है, तो इस फिल के अंदर नहीं टाई करना है इसको, ऑब्वियस सी बात है। इसको जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको टाई करना है लाकर, ताकि यह वॉल जो है इसकी हेल्प से इधर की तरफ होल्ड रहे, ओके। इस वजह से क्या हो जाएगा, एंकर शीट वॉल को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, पैसिव रेजिस्टेंस से भी मिल रहा है। देखिए पैसिव रेजिस्टेंस से भी एक हिंड्रेंस मिल रही है ताकि इधर ना जा सके। दूसरा एंकरेज रॉड जो है, दैट इज एंकरेज रॉड, यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड अभी हो गया सॉल्व क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एंकरेज सीट पाइल वॉल इज ड्रिवन टू द शैलो डेप्थ कैन बी मॉडल्ड। देखिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दो तरीके का होता है, एक होता है शैलो, एक होता है डीप, ठीक है। अब एंकर शीट वॉल की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इधर समझ लीजिए, ये एंकर शीट पाइल वॉल हो गया, ये हमारा ये और सरफेस है। अगर यहाँ पे एंकरेज रहेगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। ये बात हो रही शैलो की बात हो रही है, ये क्वेश्चन में शैलो पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो एंड है, ये कैसे काम कर रहा है, ये वाला एंड काम करता है सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, ठीक है। ये लाइन काम कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम कर रहा है, और ये वाला जो फिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जो होल स्ट्रक्चर है ये फ्री अर्थ सपोर्ट की तरह काम करता है, इसको बोला जाता है फ्री अर्थ सपोर्ट, ठीक है। तो शैलो डेप्थ में क्या हो जाता है, फ्री अर्थ सपोर्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आई थिंक ऑप्शन थर्ड का आगरा, राइट, थर्ड का आगरा ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो फिगर बना हुआ है इसमें एक्टिव कौन सा स्टेट है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझा दिया आपको, ये वाला एक्टिव है। क्यों एक्टिव क्यों है, क्योंकि इस वॉल के रेस्पेक्ट में, इस सॉइल के रेस्पेक्ट में, सॉरी इस सॉइल के रेस्पेक्ट ये वाली वॉल दूर जाना चाह रही है। आपको पता है जब दूर जाती है तो एक्टिव कहलाती है, तो आप इसके रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो ये वाली वॉल दूर जा रही है, तो ये वाला एक्टिव जोन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली वॉल जो है करीब जा रही है इस सॉइल के, तो पैसिव रीजन हो जाएगा। अब अगर थर्ड रीजन की बात करें, तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में वॉल दूर जा रही है, थर्ड भी एक्टिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली फोर्थ क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ का, कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ की पूछा जा रहा है कि एज कम्पेयर टू द कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द एंकरेज शीट पाइल वॉल बिलो द ड्रेज लेवल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको बोलते हैं ड्रेज लेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रेज लेवल। पूछा ही जा रहा है कि जो ड्रेज लेवल के अंदर, जो ड्रेज लेवल के अंदर जो हमने इंसर्ट किया, आप इसको इधर समझिए,
ये है हमारा रिटेनिंग वॉल, ये था हमारा ड्रेज लेवल। सपोज़ कीजिए ये शीट पैनल सिंपल है, यहाँ पे जो वैल्यू है सपोज़ कि 5 मीटर सपोज़ कीजिए, राइट 5 मीटर सपोज़ कीजिए। अब हमने इसको अगर यहाँ टाई कर दिया, सेम ही है, सेम टोटल हाइट सेम है इसकी, हमने इसको यहाँ टाई कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाई कर दिया है तो इसकी जो इधर जाने की जो कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगी एज़ कम्पेरिजन टू दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा आपको अंदर जो इंसर्ट करना पड़ेगा वो 5 से कम करना पड़ेगा। इस वजह से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कैंटिलीवर शीट पैरेलल कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यू वो कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, क्या होती है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जो होती है कम होती है, एंकर शीट पैरेलल जो वैल्यू होती है वो कम होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 6 से पूछा जा रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ जीरो प्रेशर बताना है। देखिए पॉइंट ऑफ जीरो प्रेशर होता क्या, आपको यहाँ समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। पहले मुझे बताया था कि वैल्यू जो है थोड़ी पहले बढ़ती है, देखिए एक्टिव वैल्यू है, आप इसको यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ी डिटेल में। ये हमारा सॉइल, इधर मान लीजिए एक्टिव रीजन ये है और ये पैसिव रीजन आ गया। तो अगर सिर्फ एक्टिव कंसिडरेशन में लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा वैल्यू, अगर सिर्फ पैसिव कंसिडरेशन में लेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी बनेगी, ठीक है। तो वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही होगी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही होगी। तो हमने मान लिया कि ए डेप्थ पे वैल्यू जीरो हो रही होगी, राइट, अब डेप्थ जीरो हो रही होगी। अब अपने इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वैल्यू के गामा एच, टोटल स्ट्रेस यहाँ पे निकाला के गामा एच हो गया, डेट इज 20। अब यहाँ पे वैल्यू क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, जिस लेवल पे निकालना है उसके ऊपर के पूरे सॉइल का वेट होता है। इफ वाटर इज देयर यू हैव टू टेक सबमर्ज यूनिट वेट, राइट, सो देयर इज अ सबमर्ज यूनिट वेट एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम, सो वैल्यू इज पी ए, ठीक है। तो वैल्यू निकल करके आ गया। जीरो प्रेशर पॉइंट के लिए क्या होता है, जीरो अभी बताया मैंने आपको, जीरो प्रेशर क्या होता है, ये एक्टिव और पैसिव दोनों को वैल्यू इक्वल कर देना, जिस पॉइंट पे वैल्यू जीरो बनेगी वही कहलाता है जीरो प्रेशर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे वैल्यू आता है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ सकता है। एक्टिव मान लिया कि ऊपर से ए डैश पे है, पी ए अपॉन गामा डैश, गामा डैश कब आता है जब वाटर टेबल यहाँ पे रहेगा, तो हमेशा वैल्यू किसमें आ जाएगी, समर्ज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, के पी माइनस के हो जाएगा। सॉल्व कर लिया यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.113। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का, अगर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का था। सेवन्थ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फोर्स पूछ रहा है आपसे, इस एंकोरेज जो यहाँ पे जो हमने जो इसको यहाँ पे टाई किया हुआ था ना, इसमें कितना फोर्स आ रहा होगा ये पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, इसमें बस क्या करना है कि फोर्स बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लिया, पीछे बताया मैंने इसका स्ट्रेस डायग्राम बन चुका है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एचटीएम मान लिया जैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको टाई किया हुआ है इसको अपन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है P1, नेट P1 इधर लग रहा है, ये क्लियर है आपका। अब दूसरा जो P2 लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, राइट। अभी अपने क्या करना है, अपने को समेशन H0 कर देना है, बोले तो TA+P2 इज इक्वल टू वॉट, P1 हो गया। P1 निकाल अभी हमने सीखा है, हमने निकाला PA, राइट, हमने ए डैश निकाल लिया, ठीक है, हमने ए डैश निकाल लिया यहाँ से। अब ए डैश निकालने के बाद P1 कैसे निकलता है, P1 क्या होता है, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इज द टोटल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ डायग्राम निकाल दिया था, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट से आ गया। सिमिलरली ट्रेपेजियम का हाइट और उसका सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है एरिया, वहाँ से निकल जाएगा, तो ये वैल्यू P1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या करना है अपने को, P2 क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया, तो इसमें क्या करता है, के गामा एच होता है। अभी पीछे बताया मैंने आपको कि इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा था हमने कि वैल्यू क्या होती है, कोई वैल्यू स्ट्रेस डायग्राम बनता है इसके ऊपर तक वैल्यू कितनी होती है, टोटल वेट क्या होता है, के गामा एच होता है, गामा क्या आ जाएगा, जो कि वाटर टेबल आ चुका है फिगर में, तो इस वजह से इसमें क्या गामा समझ आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू निगेटिव माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नेट डायग्राम देखिए यहाँ पे समझाया था अभी, तो नेट डायग्राम जो बनता है वो माइनस करने पे यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होती है, वैल्यू कम होती है, मतलब पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, इस वजह से नेट क्या होता है, केपी माइनस के हो जाता है। केपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन के, यू नो वेरी वेल केपी इज ग्रेटर देन के, ठीक है। तो केपी माइनस के इनटू ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी। ये भी कैसे आएगी, अभी अपन ने इसका ए डैश निकालना, टोटल डेप्थ पता है कितना अंदर की तरफ इंसर्ट किया गया, डेट इज 2.25, सो 2.25 माइनस ए डैश करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा TA इज इक्वल टू व्हाट, P1 - P2, ठीक है। तो ये 51.09 ऑप्शन आ जाएगा। नाउ एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन एक मिनट, हाँ
क्वेश्चन नंबर एट्थ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एट्थ में कहा जा रहा है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट एक्सकेवेशन। देखिए ब्रेस्ट एक्सकेवेशन क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि सपोज कीजिए अगर आपको कहीं पे एक्सकेवेशन करना है ऐसा, राइट, अगर आपको एक्सकेवेशन करना है तो आपको, आप ऐसा तो नहीं है कि आप एक इन्फाइनाइट डेप्थ तक जो है आप एक्सकेवेट करते चले जाओगे और बगल की सॉइल ऐसे करके रिटेन रहेगी, नो दिस नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बोले तो शीट पाइल वॉश लगानी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये चीज़ें यहाँ पे अपनी जगह पे रुक जाएं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक क्ले होता है तो वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 4c अपॉन गामा रूट के, ठीक है, क्ले वैल्यू होती है। ये तो चलो फॉर्मूला समझ लिया, यहाँ पे अभी हम शीट पाइल वॉल में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो अभी हमने ऐसे लगा दिया शीट पाइल वॉल, अब शीट वॉल को लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको कुछ हिंड्रेंस चाहिए रोकने के लिए, ठीक है, कुछ हिंड्रेंस चाहिए रोकने के लिए, ये हमने रोक दिया इसको यहाँ पे। सिमिलरली पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है क्या लग गया, स्ट्रट हमें लगा दिया है, स्ट्रट लगा दिया ताकि ये जो वॉल है ये अपनी जगह पर टिकी रहे और जिसकी वजह से ये बगल का सॉइल अपनी जगह पर टिका रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो शीट पाइल वॉल भी आ गया पिक्चर में, देखिए स्ट्रट भी आ गया। अब इसको जो ये लगाते हैं ताकि यहाँ पे पंचिंग ना हो जाए, थोड़ा सा एक हल्का सा कैसे बड़ा डायमीटर का एज कम्पेयर टू द स्ट्रट, इससे बड़ा डायमेंशन का कुछ लगा देते हैं ताकि इस पर जो है डायरेक्ट पंचिंग ना पड़े, ठीक है, पंच होगा तो फिर आगे हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े तो दिक्कत कर सकता है इसको, राइट। तो इसको हमने बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेल बोलते हैं, राइट। तो वेल भी आ गया फिगर में, स्टड भी आ गया और शीट पाइल वॉल्स भी आ चुका है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा एट्थ का, ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आज के पीपीटी में एट्थ क्वेश्चन एट तक ही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।